बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ अजमत खान। इस वक्त आप देख रहे हैं एजुकेशन न्यूज़। मैं कलेक्टर प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हमारे अदब में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हकूक की खातिर। 2 साल इन्होंने सरकारी तालीमी इदारों में अपनी खदमात अंजाम दी हैं और उसके बाद गुज़श्ता माह के आखिर में इनको नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आपकी अब नो मोर सर्विस रिक्वायर्ड, अब सरकार को आपकी मजीद खदमात दरकार नहीं है। ये जानते हैं इनसे इन्होंने कितनी अरसा पढ़ाया है, कितने लोग हैं ये जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, जिनके किन किन अजला से ये आए हैं, इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त आप कराची प्रेस क्लब के बाहर जो आए हैं तो क्या एहतजाज करने के लिए आए हैं, क्या पूछने निकले आए हैं। हमारे एहतजाज का मकसद है, आपने देखा कि पूरे सिंध से आल हमको ये सब्जेक्ट डिस्कस किया। 2022 के अंदर हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध से 1200 इंटरव्यू रखे थे। कई लोगों ने इंटरव्यू दिए मगर उसमें से पास 1200 थे। तो 29 अजला में ये इंटरनी 2.5 सालों से हायर सेकेंडरी स्कूलों में काम कर रहे थे और तालीम के जेवर से सिंध के बच्चों को आहिस्ता कर रहे थे। वो स्कूल पे थे जहाँ पर बंद क्लासें थी, वो ये जब इंटरनी गए तो वो क्लासें खुली, इनरोलमेंट बढ़े। यानी कि सरदार शाह साहब ने खुद हमारे इस जो हमारे इंटरनीज थे उनके कोशिशों को सराहा कि इंटरनीज आने के बाद हमें बहुत सी जो मुश्किल थी एजुकेशन स्कूलों में तो वो बहुत ज़्यादा ना ख़त्म हुई है। तो ये जब काम कर रहे थे हमारे जो ऑर्डर था उसमें था कि जब एसएस आ जाएंगे तो आपका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, हम भी कहते हैं कि एसएस आए मगर एसएस पूरे सिंध के अंदर 1335 आए, अभी भी नीट बेस से 800 सीटें खाली है। अभी हमारी मौजूदा इंटरनी की जो तादाद है वो भी 800 है, 800 से भी कम है बल्कि 750 के करीब है। तो हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से और अपना सरदार शाह से हमने यही हम्बली रिक्वेस्ट की है कि जहाँ पर नीट बेस है उस पर इस इंटरनी प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। 800 लोगों को फारिग नहीं किया आपने, 800 खानदानों को फारिग किया है। बीपी का मंशूर नहीं है कि बेरोजगार करना, ये तालीम दोस्त लोग हैं, इन्होंने मेहनत की है, 70-80 किलोमीटर दूर जाके भी इन्होंने क्लासों में पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो हमारे जो मेहनत का सिला, हमारी जो तनख्वाहें मिलती थी वो भी 5 महीने 6 महीने के बाद मिला करती थी ट्रेजरी के हिसाब से। जो जो पढ़ाने के दौरान आप लोग पढ़ाते थे उसमें जो आपकी तनख्वाहें थी वो भी लेट होती थी, वो 5 महीने के बाद मिला करती थी। यानी कि 5 महीने हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम इधारों में पढ़ाते थे। जो अगस्त में आपको ये टर्मिनेशन के लेटर दिए गए हैं तो अगस्त के बाद से आपके ड्यूज भी हैं कुछ या ड्यूज? हमने ड्यूज तो सारे क्लियर हो गए, जून तक हमारे थे मगर हमने जुलाई अगस्त में हमने काम किया है। हमने जुलाई अगस्त में नहीं निकाला, अगस्त में हमने सिग्नेचर भी किए हैं मिस्टर रोल के ऊपर, हमने ड्यूटियाँ की है, हमने इलेक्शन में ड्यूटियाँ की थी, हमने एक्सटर्नल की ड्यूटियाँ की। 26 अगस्त को हमारा लेटर निकाला जाता है, वो किस बुनियाद पर निकाला? अगर जून के अंदर अगस्त को, हाँ 26 अगस्त को लेटर निकाला गया, वो 2 महीने हमने काम किया है और अचानक लेटर निकालने का जवाब ही नहीं बनता है। हमने टीओ डायरेक्टर से डिमांड लेटर भी जमा कराए, 22 अजला के डिमांड लेटर हमारे जमा है जहाँ पर नीट बेस है। डायरेक्टर भी, प्रिंसिपल और डीओ भी ये तकाजा करते हैं कि इंटरनी को जारी रखा जाए क्योंकि हमारे पास एक एस एस है जहाँ पर 8 सीटें खाली है, वहाँ पर एक एक हिस्सा है। एक एस एस आने के बाद 8 टीचरों की किस तरीके से पूरा कर सकता है? तो हम सरदार शाह साहब से और बिलावल साहब से, सरदारी साहब से भी हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, आज हमारा ये एहतजाज है, पूरा मन है, हम टीचर हैं पूरा मन रहेंगे मगर हम मीडिया की तवस्सुत से ये हम तक पैगाम मुतालबा करते हैं, पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो इंटरनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उस प्रोग्राम को जारी रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, हमें डिसकंटिन्यू ना किया जाए। जी जी, मेरे साथ मौजूद है एक और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट खुदा बख्श, इनसे जानते हैं कि ये कितनी अच्छे से और किस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे। सर मैं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कमड़ा डिस्ट्रिक्ट से बताते थे। और कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा सब्जेक्ट सोलह जी है। अच्छा, आप भी ग्रेड 17 पे थे? जी जी। तो अब आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? सर हमारा मुतालबा क्लियर है, हमने हमारा कसूर ये है कि हमने सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमारी तनख्वाहें जो थी वो 1.5 साल के बाद भी आई हैं, कम अज़ कम हमारी जो तनख्वाह आई है वो 6 महीने के बाद। अब सरदार जी खुद हमें बताए कि एक जो बंदा है, एक टीचर है, वो 6 मंथ तक कैसे सरवाइव कर सकता है? तो इस हवाले से हमने जब एक हाक और कॉन्ट्रैक्ट की बात की ताकि हमारी आईटी खुले और हर मंथ जो है हमें सैलरी जो है मिले, तो इस हवाले से 2.5 महीनों के बाद उन्होंने एक लेटर निकाला है। हम कंटिन्यू थे, जून में हमने जो है एग्जामिनेशन की ड्यूटी सर अंजाम दी है, एज एक्सटर्नल में खुद जो है एक्सटर्नल रहा हूँ,
और एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हमसे ड्यूटियाँ ली गई हैं इलेक्शन में। भाई अगर हम इतने जो अहल नहीं थे तो हमसे इतनी ड्यूटियाँ ली गई, और इसके अलावा साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम हुए वो हमने सर अंजाम दिए, और हर जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर इन्होंने एक या दो एसएस भेज कर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है एसएस जो है पूरे हो गए। हालांकि खुद मार्च के मंथ में इन्होंने बोर्ड में एक रिपोर्ट जमा कराई है जहाँ पर उन्होंने जो है 751 एसएस की रिपोर्ट दी है कि वो अभी हमें खाली सीटें खाली हैं, अभी हम 800 या 750 हैं जो बचे। हमारा मौकफ ये है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए, और जिस डेट पर हमें 26 अगस्त को लेटर निकाला है उससे पहले 30 जून का जो इन्होंने लेटर निकाला है 30 जून से हमें फिर से कंटिन्यू किया जाए, हमें डाक दिया जाए या कोई ऐसा सिलसिला रखे ताकि हमें तनख्वाह तो कम से कम हर मंथ मिले। हमारा मुतालबा ये सितारा मौजूद है, ये भी टीचर हैं और इनसे जानते हैं कि ये कौन से स्कूल में पढ़ाती थी, इनके मुतालबात क्या हैं, और जाहिर है इन्होंने 16 साल तालीम हासिल की, उसके बाद ये एक स्कूल में पढ़ाने के लिए निकली। दूसरी तरफ गवर्नमेंट से इनका ये एच है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है जिनका काम जाहिर है फील्ड में आना है, प्राइस चेक करना है, दीगर चीज़ें उन्होंने बाज़ारों में देखनी है, उनको 138 फिगो डाले दिए जा रहे हैं, उसके लिए 2 अरब रुपये मौजूद हैं, लेकिन 800 पोस्टें वैकेंट हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, ये दोहरा मयार है। सितारा से पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। अभी जब आप स्कूलों से ये जो आपके लेटर आए डोनेशन के, और उस वक्त आपके स्टूडेंट्स की और दीगर कोलीग्स की जो मौजूद हैं अभी, उनके तासुरात क्या थे? जो आपको लेटर मिले हैं ये डीओस वीडियोस के तवस्सुल से मिले हैं, तो कहीं किसी फोरम पे आपकी कोई बातचीत हुई है किसी से? आपको जाहिर है हायर किया था, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सारे प्रोसेस से हुए आप तदरीस से, अब आप क्या मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि हम 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, जब इनको नीट की तो हम पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे और बच्चे भी हमसे मुतमैन थे। मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा हमारा ये है कि अभी जो हमें मतलब सडनली जो हमें एक लेटर निकाला गया है कि आप घर जाएँ, मुतालबा आपका क्या? मुतालबा हमारा ये है हमें दोबारा बहाल किया जाए और हमारी कंटिन्यूटी जो है जॉब और नौकरी खत्म नहीं की जाए, कि और ये हमारा हायर अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट है कि हमारा नोटिस। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर से ये सारी सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की है कि ये 1000 के करीब वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद बाकायदा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते ये ट्रेनिंग टीचर्स के तौर पर स्कूलों में गए, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, 2 बरस तक बाकायदा ये परफॉर्मेंस देते रहे, उसके बाद अचानकली सडनली इनको कह दिया गया कि अब आपकी मजीद रिक्वायरमेंट जो है वो मजीद आपकी ज़रूरत इदारे को नहीं है, तो ये कराची प्रेस क्लब के बाहर आए एहतजाज करने के लिए।